contagious. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा भोपाल से और आप सभी का मेरे छोटे से टेरिस में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, दलिया के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी को थोड़े से मेरे फूल दिखा देती हूँ। अभी सर्दियों में कौन कौन से फूल खिले, ये देखिए। नास्टिशियम के भी मैंने वीडियो बनाया था, तब कम थे। अभी देखिए धीरे धीरे कितने फूल खिलने लगे। ये देखिए डैंथस, ये देखिए रोज। देखिए मैंने रोज़ का वीडियो बनाया था, तब खिले थे ना, फिर मैंने दोबारा कट कर दिए थे। ये देखिए कट कर दिए, फिर देखिए कितने सारे निकल रहे हैं, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। ये देखिए इन सब का मैंने वीडियो बनाया था। अब देखिए मेरे पौधे देखिए दोबारा फिर फूल देने के लिए तैयार हो गए। नई नई पत्तियाँ निकल गई है इतनी जल्दी, फास्ट एकदम। इसने वीडियो बनाया था तब इसमें बहुत सारे फूल खिले थे, 3-4, तो मैंने कट कर दिया था। आपको बताया था जैसे यहाँ से मैं कट करूँगी, सॉरी यहाँ से कट करूँगी। और तो देखिए कट किया दोबारा, देखिए कितनी अच्छी लीव्स आई है और इसमें कलियाँ भी आ रही है। ये देखिए अभी एक फूल तो अभी खिला ही है। ये देखिए ये वाला गुलाब कितना खूबसूरत गुलाब है, इसका कलर देखिए दोस्तों इतना खूबसूरत है। वैसे इसके फ्रेग्रेंस भी है, इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी है, बहुत अच्छे लगते हैं इसके पत्तियाँ। देखिए कितने हेल्दी है ये प्लांट। ये भी देखिए दोबारा सब में फूल आने के लिए दोबारा तैयार हो गए। ये देखिए मैंने जब बसंत का ओवरव्यू में दिखाया था आप सभी को, एक बार थोड़ा दिखा देती हूँ। अभी आज तो 18 तारीख है, 18 फेब, तो आज का अपडेट दे रही हूँ आपको। ये देखिए फूल, ये देखिए अफ्रीकन डेजी का भी वीडियो बनाया था, उसमें दिखाया था आप लोग को। सदाबहार देखिए कितने अच्छे खिलने लग गए। अब गर्मी आ रही है तो धीरे धीरे अच्छे होने लग गए। ये देखिए ऊपर के फ्लावर्स कितने अच्छे। ये देखिए 1 जनवरी को मैंने उसका वीडियो बनाया था, आपको दिखाया था, तब भी फूल खिले थे। देखिए अभी भी खिल रही है, दिसंबर से इसमें फूल आते जा रहे हैं। ये डबल वाले है पिटोनिया के। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए झरवेरा का कितना खूबसूरत लग रहा है ना, छोटे से गमले में। अभी तो इसको मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ इसको रिपोर्ट किया मैंने। ये देखिए ये कश्मीरी गुलाब देखिए दोस्तों, तो साल भर ऐसे खिलते रहते, बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए दोबारा फिर नई नई पत्ती आने लगी, मैंने थोड़े थोड़े कट कर दिए थे फूल खिलने के बाद। बहुत खिले थे एक साथ गुच्छों में, 6-6, 7-7 एक साथ। तो देखिए फिर से अभी आने लगे, तो डैंथस ये देखिए इसमें भी अभी आने लगे डेजर्ट रोज में। ये देखिए ऐसा, और इधर देखिए ये, और एक चीज़ देखिए छोटा सा कड़ी पत्ते का प्लांट है, देखिए इसमें फ्लावर्स आ रही है। और ये देखिए इसमें फूल आ रहे हैं, इसमें तो आते ही रहते हैं जेरेनियम में। तो फ्रेंड्स आज जो मेरा टॉपिक है उसी पे बात करते हैं। तो देखिए आज का मेरा टॉपिक है ये डहलिया के फ्लावर्स, कितने खूबसूरत है ना दोस्तों। तो सर्दियों में इसमें बहुत अच्छे फूल आते, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने ओवर भी दिखाया था तब भी बहुत सारे फूल खिले थे, अभी तो थोड़े कम हो गए। इसमें बहुत बड़े बड़े फूल खिले थे, अभी फिर कलियाँ आ रही है। देखिए एक बार खिल चुके खूब सारे, तो उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो फ्रेंड्स जैसे सब पौधों के लिए इसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, कैसे करें, कैसे पानी दें, कैसे धूप चाहिए, वही सब मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स इसकी मिट्टी सब पौधों की तरह वेल ड्रेन्ड ही बनानी है। तो एक हिस्सा रेत और मिट्टी का एक हिस्सा, और एक हिस्सा खाद डालिए। आप चाहे काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी डाल सकते हैं, मैं तो काउडंग मैन्योर ही डालती हूँ, गोबर की खाद। तो उसमें ये पौधा लगाए, और पौधे को क्या 2-3 घंटे की अच्छी धूप चाहिए, तब इसमें फूल बहुत अच्छे खिलते हैं। तो सर्दियों में ही खिलते हैं फूल अच्छे, तो सर्दी वाली धूप इस पौधे को बहुत पसंद आती है। तो वही ध्यान रखना है दोस्तों कि इसकी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, खाद की मात्रा अधिक होनी चाहिए, और 2-3 घंटे की अच्छी सर्दियों वाली धूप मिलनी चाहिए। एकदम कड़क वाली धूप नहीं, जो सर्दी में जो अच्छी धूप मिलती है वैसी धूप। और पानी का ध्यान रखना है, पानी हमें देना है, पानी का हमें ध्यान रखना है। पानी तो मैं रोज ही देती हूँ दोस्तों। देखिए मेरी मिट्टी देखिए एकदम कैसी वेल ड्रेन मिट्टी है, कितनी पोरस है। तो वैसे ही पानी तो रोज ही देती हूँ, क्योंकि अब इस पौधे को भी हम धूप में ही रखते हैं, तो पानी की भी ज़रूरत पड़ती है पौधे को,
ये थोड़ी सी पानी की कमी होने से मुरझा जाते हैं, बस एक्सेस वाटर नहीं, वाटरिंग नहीं करना। तो वही धूप पानी या मिट्टी अच्छी मिले तो अच्छे फूल खिलते हैं इसमें, बड़े बड़े खूबसूरत। ये तो सिंगल पेटल है, इसमें बहुत सारे फूल खिले थे डबल पेटल। और फिर जब हम मतलब 10 दिन में एक बार आप इसमें सरसों की खली वाला खाद जरूर डालिए, इस पौधे के लिए बहुत पावर बूस्टर का काम करता है। तो वही सरसों की खली, इसमें थोड़ी सी नीम की खली और थोड़ा सा गुड़ डाल के पानी में भिगा के रखे और उससे 5-6 गुना पानी मतलब पतला घोल तैयार करके उसको इसमें डालना है। तो इसमें क्या बड़े बड़े फूल और अच्छे फूल आएंगे इस पौधे में। और अभी क्या, अभी मार्च तक तो फूल खिलेंगे ही, सर्दी तो हल्की सी सर्दी रहती है मौसम में तो खिलते, जब गर्माहट आने लगता है तो फूल थोड़े कम होने लगते हैं। तो अभी तो खिलेंगे मार्च, कई कई अप्रैल तक भी खिलते हैं, कई कई मई महीने तक, हमारे यहाँ मार्च तक ही काफ़ी है क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है हमारे भोपाल में। तो जब फूल खिल जाए दोस्तों, ये जैसे ये फूल है, फूल खिलने के बाद इसमें सीड पॉट बनते हैं, सीड्स बनते हैं। तो अगर आपको सीड्स रखने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो इसको थोड़ा मैच्योर होने दें, फिर फूल सूख जाने के बाद इसमें से सीड्स निकलेंगे, तो वो सीड को आप कलेक्ट करके रख दीजिए। और इसका कटिंग भी तैयार हो जाता है इस पौधे का, जैसे बारिश के सीज़न में, बारिश के बाद जो प्लांट रहता है तो अक्टूबर सेप्टेम्बर अक्टूबर में उसके छोटे छोटे कटिंग ऐसे यहाँ से कटिंग कर करके छोटे छोटे कट ऐसे लेके इसके नया पौधा भी बना सकते हैं। और एक तरीका है दोस्तों, इसके नीचे बल्ब रहते हैं, जो तरीका मैं अपनाती हूँ, जैसे ये प्लांट है अभी ऐसे इसको उखाड़ेंगे ना तो इसके नीचे बल्ब रहेगा। जैसे मैंने एक पौधा उखाड़ा हुआ है क्योंकि उसमें पूरे फ्लावर्स खिल चुके थे, तो मैंने उसको अभी निकाल दिया नेक्स्ट सीजन के लिए। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये है डहेलिया का बल्ब। तो मैं यहाँ से कट करके ये बल्ब और बाकी जितने प्लांट्स के बल्ब है सबको निकाल के एक साथ में इनको ऐसे कट करके यहाँ से सबको एक साथ रेत और मिट्टी, ज़्यादा रेत और थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर मैं रख दूँगी, दबा के छांव में रख दूँगी, कभी कभी थोड़ा पानी डाल दूँगी। तो फिर नेक्स्ट सीजन के लिए तैयार हो जाएगा, बारिश के बाद फिर इसमें से अंकुर निकलेंगे, स्पाउट निकल के फिर ऐसे ऐसे पौधे बन जाएंगे, फिर उनको कट कर करके मैं बहुत सारे बना लूँगी। तो ओके फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।